स्वच्छकार समाज की तरफ से मैं डॉक्टर कौशल पंवार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जय भीम बोलती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ। चर्चा की इस कड़ी में जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने हमेशा वाल्मीकि समाज के, स्वच्छकार समाज के ऐसे समाज के ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तित्व को अपने चैनल पर इन्वाइट किया है जिन्होंने समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। चर्चा की इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं उपासना जी। उपासना जी हरियाणा से हैं, मेरे का सही बोल रही हूँ मैं? आप हरियाणा से हैं और आपने बहुत समाज के बदलाव के लिए और न केवल सामाजिक रूप से बल्कि तमाम जो जीवन की गतिविधियां हैं, जो लेटेस्ट हमारे सामने जो इश्यूज आते हैं, जो तात्कालिक जो जो चारों तरफ जो हमारा वातावरण है उन पर आपकी एक पैनी नजर रहती है। मैं डॉक्टर कौशल पंवार, उपासना जी आपका स्वागत करती हूँ स्वच्छकार समाज की आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आती हैं, आपके क्या काम करते हैं पेरेंट्स, थोड़ा सा अपना परिचय आप दीजिए। जी जरूर, धन्यवाद। जैसा मैम ने बताया, मेरा नाम उपासना चंदेलिया, हरियाणा बहादुरगढ़, होम टाउन नूना माजरा से मैं हूँ। और शिक्षा में मैंने मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किया है, जो कि मेरी शिक्षा एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से रही है। परिवार का थोड़ा परिचय देना चाहूंगी। जो मेरे फादर साहब है वो पीडब्ल्यूडी बहादुरगढ़ रेस्ट हाउस से 2016 से रिटायर्ड हैं। जो मेरी मॉम है, जो मम्मी जी हैं, वो हाउसवाइफ हैं। हम तीन बहनें एक भाई हैं, सभी पढ़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ समाज के हित कल्याण के लिए जो मुझे जरूरी लगा कि वो चीजें होनी चाहिए, जैसे जैसे परिवर्तन आया, जैसे जैसे शिक्षा प्राप्त की, जैसे जैसे हायर एजुकेशन की तरफ गए, तो वहां पर पता चला कि जातिवाद क्या होता है, जातिवाद को फेस किया। तो उन सब चीजों से लड़ने के लिए और समाज में परिवर्तन के लिए, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक बदलाव और जागरूकता के लिए मैंने एक कदम समाज के प्रति अपना उठाया। जी उपासना जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी हायर एजुकेशन कहाँ तक फिर आपने कंप्लीट की? मैंने मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस किया है, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से की है मैम। जी मैंने भी वहीं से एमफिल किया था, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मेरी यूनिवर्सिटी की भी हैं। उपासना जी, मैं एक चीज ये भी जानना चाह रही हूँ आपको कि एक ऐसे वर्ग से, ऐसे समुदाय से आने के नाते आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, हायर एजुकेशन के दौरान। जी बिल्कुल, बेहतरीन सवाल है। मैं चाहती थी अपनी बात को रखना। जैसा कि मैं एक ऐसे परिवार, एक ऐसे समाज से संबंधित हूँ जहाँ पर लड़कियों का शिक्षित होना, जहाँ पर शिक्षा प्राप्त करना, घर से बाहर जाना, स्कूल कॉलेजेस पढ़ना, और जिस परिवार से मैं संबंध करती हूँ, बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित हूँ मैं, और एक ऐसे गांव से हूँ जहाँ पर शिक्षा का नाम सिर्फ एक पुरुष वर्ग के लिए ही है, और वो भी इच्छित पुरुष वर्ग के लिए, सबके लिए नहीं है। तो हमारे लिए बहुत दिक्कत परेशानी आई थी जब हमने इन सब चीजों का सामना किया था कि हमें पढ़ना है, स्कूल जाना है, क्योंकि मेरे हमेशा माता पिता ने हमेशा उस चीज के लिए हमेशा सपोर्ट किया है। लेकिन दिक्कत परेशानी आई उन पड़ोस के लोगों के लिए, उन दिक्कत परेशानी आई उन परिवार के कुछ लोगों के लिए कि बेटी बाहर जाएगी, लड़की बाहर जाएगी, रोहतक तक कैसे जाएगी, इतनी दूर नहीं भेजो, लड़कियों को ज्यादा मत पढ़ाओ, ज्यादा पढ़ा लिया तो सर पर बैठ जाएंगी, इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा सामना किया। और कुछ कि ऐसे वर्ग से कि तुम ऐसी कास्ट करो कि तुम इतनी हायर एजुकेशन प्राप्त करोगी, शादी कैसे होगी, तुम्हारी कास्ट में तो लड़के भी नहीं पढ़ते हैं, फिर तुम्हारे जैसा लड़का ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी जो टोंट होते हैं वो सुनने को मिले। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी रही मेरे जीवन में, जो कि मैं हमेशा सीखती आई हूँ अपने आप से, जब भी मुझे ऐसी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तब तब मैंने ये ठाना है कि ये दिक्कत परेशानी जो आज मैं उठा रही हूँ, मेरे द्वारा किया गया कुछ ऐसा काम कि आने वाली जनरेशन हमारी वो दिक्कत परेशानी ना उठाए, इसलिए मैंने अपना एक स्टेप लिया
कि अगर मैं अभी पढ़ती हूँ तो मैं अपने समाज के, अपने परिवार के उन लोगों के लिए, आने वाली उन जनरेशन के लिए एक ऐसी प्रेरणा बन सकती हूँ, अगर वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। और ये चीज मैंने हमेशा अपने जीवन में ठानी है, हमेशा अपने जीवन में सोचकर चली है, इफ दे कैन डू देन आई कैन डू। मैं अपने अंदर कोई कमी खामी नहीं मतलब रखती या नहीं सोचती, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। सिर्फ एक जाति का लेबल लगने से मैं अपना बैक वो हर चीज की, जिस चीज को करने के लिए समाज या उच्च वर्गीय लोगों ने मुझे नकारा था। जी जी, मैं एक्चुअली, मेरे यहाँ थोड़ी सी शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, मेरा वीडियो विजुलाइज नहीं हो रहा, लेकिन हम आपको सुनना चाहते हैं तो इसलिए हमारे लिए आपकी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे बताइए उपासना जी की जो जो एकेडमिक जगत है हमारा, उसमें लड़कियां, खासकर वाल्मीकि समाज की लड़कियां, कितना परसेंट लगता है आपको कि इतनी लड़कियां हमारे बीच में होंगी आपके आसपास बहादुरगढ़ में, या ओवरऑल जो गांव देहात से लड़कियां यूनिवर्सिटीज तक पहुंचती हैं, आपके समय क्या क्या आपको लगता है कि कितनी लड़कियां आपके साथ थी? जी, ये बहुत दुख की बात है और आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा कि हमारे समाज की कितनी लड़कियां हैं जो आगे निकल कर आती हैं और मास्टर डिग्री तक या फिर इनकी हायर एजुकेशन तक पहुंचती हैं। अगर मैं माइनस में उसका रेशियो रखूं तो मैं गलत नहीं होंगी, क्योंकि मैंने शुरू से ही अपने इस चीज को जज किया है कि मैं जिस कैटेगरी में हूँ या जिस क्लास में मैं हूँ, चाहे मैं वो कॉलेज की बात करूँ चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात करूँ, शायद ऐसा ही होता आया है कि वाल्मीकि समाज से अगर पूरी क्लास में या कोई डिपार्टमेंट में कोई होता था तो शायद मैं ही अपने आप को पाती थी। तो बहुत कमी है हमारे समाज में लड़कियों में कि वो आगे नहीं बढ़ पाती है। वो कमी है परिवार की, वो कमी है उस सोच की, वो कमी है उस व्यवस्था की जिसमें हमें सबसे नीचे बनाया गया है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी, जहां पर बगावत है, जहां पे विरोध है, जहां पर कोशिश है, तो सब कुछ मुमकिन है। करना हमें ही है, ठानना हमें ही है। अगर हम उस समाज में वो मुकाम चाहते हैं तो उसके लिए हमें विरोध करना ही होगा। अगर मैं कहूं कि अगर हमें परिवार से भी विरोध करना पड़े अपनी उच्च शिक्षा के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए, तो विरोध करना जरूरी है। असल में ये बात बिल्कुल सही कही आपने। हमारे यहाँ खासकर दलित समाज के अंदर भी और खासकर सफाई तबके के बीच में ये बात बहुत निकल के आती है कि लड़की अगर इतनी पढ़ी तो लड़का कहाँ से मिलेगा, या फिर जैसे पढ़ती है तो उसको दहेज भी उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा। ये कहाँ से बना, क्या क्राइटेरिया बना, ये अपने आप में ही एक बड़ा मतलब इसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है कि लड़कियां अगर पढ़े तो माँ बाप के लिए, केवल माँ बाप के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, वो समाज जो जब आदमी संघर्ष कर रहा हो उसको पूछता नहीं है कि आपको फीस कहाँ से आपने दी, आपको किताबें हैं आपके पास या नहीं, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग में वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, डिसीजन ले रहा हो, तब उसको सारी चीजें याद आ जाती है। रूल रेगुलेशन सबसे ज्यादा ज्ञान बघारने वाले वही लोग होते हैं जिनको उससे पहले किसी तरह का कोई मतलब नहीं होता। माँ बाप को साइकोलॉजी वो इतना प्रभावित कर जाते हैं कई बार, क्योंकि मेरा खुद का ये अनुभव रहा है कि माँ बाप भी सोचने पे कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं कि अगर हमने लड़की को इतना पढ़ा दिया तो लड़का कहाँ से मिलेगा, नंबर टू दहेज कहाँ से मिलेगा। मतलब कि हायर एजुकेशन लेना जैसे शादी की क्वालिफिकेशन भर बन के रह गई है। बिल्कुल, मतलब कि लड़की इतनी पढ़ेगी तो उनको लड़का इतना मिलेगा, मतलब जैसे मतलब बड़ा पहाड़ टूट जाएगा अगर लड़की ग्रेजुएशन है और लड़का दसवीं पास है, अगर लड़की पीएचडी है और लड़का अगर बारहवीं दसवीं है तो बहुत अपराध कर लिया माँ बाप ने ऐसे लड़के को देख के। तो ये विडंबना है आजाद भारत के बाद भी कि हमारी सोच पे हम वहीं के वहीं खड़े हैं। उपासना, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि तमाम जो हमारे आसपास का जो वातावरण है, क्योंकि आप हरियाणा से आती हैं, वहां तो वैसे भी लड़कियों को एक तरह से सेकंड सेक्स की तरह देखा जाता है। जी बिल्कुल, तमाम उभर के आती हैं चीजें। आपके बिल्कुल बगल में ही एक ऐसा गाँव भी है झज्जर के पास, जहाँ लड़कियां नामात्र का रेशो सबसे ज्यादा सेंसस में है।
तो ये भी एक उदाहरण है काला सच है एक तरह से हरियाणा का। तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे समाज की लड़कियां, उनको पता है ये कि ये है हकीकत, लेकिन इसके बावजूद भी जो जो माँ बाप का सपोर्ट जिनको मिल जाता है वो लड़कियां भी कहीं ना कहीं आगे आने में संकोचित होती है, वो भी अपने आप को एक तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पर, या यूं कहें कि नॉलेज के लिए भी पढ़ाई की जाती है, और समाज के दूसरे वर्ग जो इतने ज्यादा आगे जा चुके हैं, टीना डाबी है, तमाम उदाहरण है हमारे सामने जहाँ लड़कियां रोल मॉडल बनी हुई है, लेकिन हमारी सफाई कर्मचारी समाज की लड़कियां माँ बाप के सपोर्ट के बावजूद भी चीजें को समझ नहीं पाती। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जब चली जाती हैं तो उनको बिल्कुल एक सुनहरे पल दिखाई देते हैं, वो मेहनत जो उनको करनी चाहिए जिनके लिए वो सारी उम्र तक उन सुनहरे पलों को जी सकती हैं, लेकिन उस वक्त वो जी कर अपने करियर को एक तरह से कहीं ना कहीं पीछे सेकंड उसमें ले जाती हैं, और फिर वही वो ग्रेजुएशन ज्यादा से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन तक सीमित रह जाती है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, कहाँ तक ये सहमत हैं आप इस बात से कि हमारी जो लड़कियां हैं जो ऐसे एकदम अभावों से निकल के यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाती हैं तो सब्ज बाग देख के वो एक तरह से गुमराह, अगर मैं शब्द प्रयोग करूँ तो अतिशयोक्ति शायद नहीं होगी, मतलब उनको करियर में कुछ बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाती। बहुत कम उदाहरण है जैसे आपके यहाँ ममता सोदा हुई, या एक तो और महिलाएं होंगी जिनको मैं शायद ना जानती हूँ, हो सकता बहुत बड़ा काम भी कर रही हूँ, लेकिन तमाम एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही बात रखी और मैं इससे बिल्कुल 100% सहमत हूँ। जो आपने बात कही है मैं संक्षेप में बताना चाहूंगी। आपने जो बात रखी है कि ऐसी क्या कमी आती है, ऐसे क्या कारण आते हैं कि परिवार सपोर्ट करते हुए भी लड़की भटक जाती है, यही बात मैम? भटकना नहीं कहेंगे इसको उपासना, बल्कि ये कहेंगे कि जो हम लोग जैसे अभाव में जीते हैं, हमारा भी मन करता है कि हम अच्छे से तैयार होके जाए, हमारे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, तो वहां जब कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में लड़के लड़के लड़कियां दूसरे हमें जब दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो दबी हुई भावनाएं हैं वो निकल के आ जाती हैं, और वो कोई गलत नहीं है, मैं इसको गलत भी नहीं मान रही, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि जब वो चीजों को देखता है तो अपने अभाव को भी देखता है। वो अलग बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग जो हायर एजुकेशन लेने के लिए अब्रॉड तक पहुंचे, इसके बावजूद भी वो अपनी हकीकत को कभी नजरअंदाज नहीं किया उन्होंने, और तभी विश्व के ज्ञान के प्रतीक कहलाए। मैं इसको भटकाव शब्द ना प्रयोग करके बल्कि कहीं ना कहीं एक एक अपनी चीजों को पूरा करने का जो एक दिखाई देना शुरू हो जाता है उस वजह से। जी जी मन में भावना होती है कि हाँ हम भी जैसे अगर मैं एमडी यूनिवर्सिटी की मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि हम देखते हैं कि लड़कियां भी हैं और जो लड़के भी हैं अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, लड़कियां खुद ऐसी ऐसी गाड़ियां लेकर आती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी मन करता है कि मेरे पास भी वो लग्जरी गाड़ी हो और तब मैं अपने या फिर मेरा ऐसा ड्रेसिंग स्टाइल हो, या मैं इस तरह की ड्रेस, या मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूं, या मेरा ये फोन हो तो मैं इस लैपटॉप से अपनी स्टडी कंप्लीट करूं, तो वो सारी चीजें वहां पनपना या बनना शुरू हो जाती हैं, एक मन में भावना होती है। लेकिन अगर हमें, मैं ये चाहती हूँ कि अगर हमें किसी मुकाम तक पहुंचना है तो अगर हम जीरो से शुरू करें तो वो कोई गलत नहीं होगा। और दूसरी बात, जहां पर हम ऐसे समाज से हैं जहां पर हमें हर प्रकार की कमी से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हमारा इतिहास ही गवाह है कि हम मानसिक गुलाम रहे हैं, हम शारीरिक गुलाम रहे हैं, तो हम आर्थिक भी गुलाम रहे हैं। अगर मानसिक और शारीरिक शोषण होगा तो आर्थिक की तो बात की ही नहीं जा सकती। तो इसी कमी की वजह से हमारी यह स्थिति होती है, तो हम इन सारी चीजों में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज भी है जो अभी मुझे आने वाले समय या जो अभी वर्तमान समय में देखने को मिल रही है कि हमारे समाज के जो युवा हैं, युवा वर्ग जो एक स्टेप अपना आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इन सब चीजों पे अगर देखती हूँ तो वाल्मीकि समाज के लोगों का जो नाम है वो मुझे बहुत
कम देखने को मिलता था लेकिन अभी मुझे देखने मिलता है। जी मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपसे एक चीज ये भी जानना चाह रही हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो जो मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, हमारी जो लड़कियां हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर को उस तरीके से नहीं पढ़ पाती। आज की जो नई पीढ़ी है उनके सामने तमाम सोशल मीडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग भी लगातार यूट्यूब चैनल्स पे है, और जो खासकर दलित वर्ग है वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्री बाई फुले, रमाबाई फुले और तमाम हमारे जो हमारे सोशल रिफॉर्मर रहे हैं उनके संदेश को सोशल मीडिया पर हम लगातार भेजते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लोग पढ़ते हैं। इसके बावजूद भी जो हमारे जो समाज की महिलाएं हैं या लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के संदेश को अभी तक भी कहीं ना कहीं उनसे छूट पा रहा है। मतलब वो बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर उस तरीके से नहीं बन पा रहे जितना कि दूसरा समुदाय बन पा रहा है। तो आप इसको कैसे देखती हैं, हमारी लड़कियां बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों नहीं पढ़ती, क्यों वो आगे आके अपना योगदान समाज में नहीं दे पाती? जी बिल्कुल सही बात रखी है। जो हमारा एटमोस्फेयर होता है, जो हमारे घर का वातावरण होता है, वो पूरा निर्भर करता है। अगर मेरे घर का वातावरण है कि मैं अम्बेडकरवादी सोच रखती हूँ या मैं खुद बदलने की इच्छा रखती हूँ तो वो उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि अगर जब मैं खुद से इच्छा नहीं रख पाऊंगी तो मैं शायद कुछ भी नहीं कर सकती। तो वो खुद से इच्छा होती है चीजों को करने की। अब अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक अपना छोटा सा उदाहरण रखना चाहूंगी कि मैं अम्बेडकरवादी सोच विचारधारा रखने वाली लड़की भी मैंने अपने घर में, अपने परिवार में और खासकर अपनी मम्मी से बहुत बगावत की है, बहुत कुछ सुना है और बहुत प्रताड़ित भी हुई हूँ। हालांकि आज मुझे लाइव आने का जो मौका मिला है मैं इस चीज से बिल्कुल भी नहीं चूकूंगी, क्योंकि मैंने अपने घर में सुधार के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जिनकी वजह से मुझे बहुत डांट फटकार और बहुत सुनने को मिला है। माहौल बनता नहीं है, अगर आपके घर का माहौल ऐसा नहीं है, उन सभी लड़कियों के लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, और आप चाहते हैं, आप इच्छा करते हैं तो आप उस चीज को बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा, विद्रोह, कोशिश, विरोध सब कुछ करा सकती हैं अगर आपके मन में इच्छा हो तो। इसी तरह से मैंने अपने घर का माहौल, शुरू से ही मैं ऐसे परिवार से हूँ जहां पर बलि प्रथा ये सारी चीजों को माना करते थे, और जैसे पूजा करना, जो हमारे समाज में ये सारी चीजें होती हैं, उस उन सब चीजों को मैंने खुद देखा है। वो चीजें मैंने अपने परिवार में, अपने जीवन में वो सारी चीजें देखी हैं। फिर भी उसके बावजूद उसके मेरे मन में था कि नहीं, ये सारी चीजें गलत हैं, क्योंकि एक जाति का भी और ऐसे रीति रिवाजों का भी एक थप्पा लग जाता है जो कि सही नहीं है। ये जरूरी नहीं कि पुराने समय से चल रही रीति रिवाज सारी या प्रथाएं सारी सही हैं, जरूरी नहीं। अगर वो गलत हैं और आप अपने आप को सही समझते हैं तो उसका विरोध कीजिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि विद्रोह घर से ही शुरू होना चाहिए। विद्रोह का मतलब जो गलत हो रहा है, जो परंपरा के नाम पर जो गलत किया जा रहा है उसका विरोध तो होना ही चाहिए। और इसमें अगर लड़कियां विरोध करती हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपने माँ बाप से कम प्यार करती हैं, भाई बहनों से कम प्यार करती है, समाज से कम प्यार करती है। वो प्यार की परिभाषा को भी यहाँ समझने की हमें फिर जरूरत पड़ती है। मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रही हूँ उपासना, कि हमारे समाज में आप और हम क्योंकि एक ही क्षेत्र से आते हैं, लगभग स्थितियां एक जैसी हैं। मैं हरियाणा के राजौंद गाँव से हूँ और आप बहादुरगढ़ से हैं जो नियर बाय दिल्ली है। हमारे यहाँ दहेज की बहुत बड़ी वो चीज अब चलती जा रही है, जबकि एक समय ऐसा भी था कि हम जितने संसाधन थे उस सीमित संसाधन में लड़का लड़की विवाह कर लेते थे। लेकिन आज देखा देखी दूसरे समुदायों की या टीवी के माध्यम से ये तमाम जो चीजें जो एक तरह से इररिलेवेंट है लगभग, लेकिन मतलब इतने ढेरों, जैसे सगाई अगर लड़की की होगी तो उसको देखने वाले ही पूरी बस भर के आते हैं, तो शादी ही हो जाती है उसमें। और माँ बाप देखा देखी शर्मा शर्मी, क्योंकि समाज में चारों तरफ है तो उनको करना पड़ता है।
तो आप युवा हैं, आपने घर में भी इस चीज के ऊपर बातचीत करी है, आप अपने समाज में भी देखती होंगी, तो ये जो बढ़ता जा रहा है, जो आज के समय में जो बढ़ता जा रहा है, मैं बिल्कुल एकदम इसमें सहमत हूँ कि पहले नहीं था ये, कम से कम ये बुराई हमारे यहाँ नहीं थी। मैंने खुद अपने घर में, आस पड़ोस में, मेरे अपने समाज में देखा है कि जो जो जितने संसाधन से लड़का लड़की शादी कर सकते थे वो उतने से ही करते थे, उनको ज्यादा जमींदार के यहाँ ब्याज लेके पर लेके पैसा करने की जरूरत नहीं होती थी, जो न्योंदा नौधार होती थी उससे ही लड़की की शादी होती थी, या आस पड़ोस से जो भी भेंट करते थे गिफ्ट के रूप में, किसी ने कूलर दे दिया, किसी ने बेड दे दिया, किसी ने पेटी दे दी, ऐसे करके शादियां हो जाती थी, एक बड़ा एक बुनी था। लेकिन अब बढ़ता जा रहा है, आप इसको कैसे देखती हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी एक सामाजिक ऐसी बुराई बढ़ती जा रही है जो जो पहले नहीं थी आज है। आप एक युवा हैं, आप बदलती हुई सोच के साथ चल रही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये हमारे शैक्षिक जगत को बहुत प्रभावित कर रही है, क्योंकि उन माँ बाप की भी, मैं एक तरह से, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि समाज में जो प्रचलन में हो कोई जरूरी नहीं है ना कि सारे के सारे उपासना की तरह विरोधी कर देंगे। बहुत सारी लड़कियां जो चुपचाप सहन कर लेती है। अब मैं मेरी अपनी ही शादी की बताऊं, मैंने जब शादी की थी, मैं तो मेरी शादी में ही अपनी एक दिन पहले पहुंची थी पेपर देने के बाद। उसके बाद अब हमने सारी चीजों को चैलेंज किया। उसके बाद मैं, मेरा पति शादी के तुरंत बाद रोहतक चला गया, रोहतक में जॉब करता था, मैं करनाल में चली गई, करनाल पढ़ती थी। तो हम शादी के 6-7 साल अलग रहे, जिसको हम बिल्कुल मतलब एक तरह से यूं कहें कि लड़का लड़की जब शादियां करते हैं तो एक तरह से वही जीवन का एक बड़ा वो, लेकिन हमारा करियर का था, मतलब हम तो अलग ही रहे हैं शादी के बाद। आप ये देखिए, बिल्कुल हमने जब सेटल किया तब हम लोग साथ में रहना शुरू किया, और मुझे ये भी मुझे हंसी भी आएगी, बल्कि मेरे अपने ही परिवार के लोग ये कहना शुरू कर दिए थे कि जब तुम लोगों को साथ में रहना ही नहीं था तो शादी करने की क्या जरूरत थी, इतना तो तुम लोग वैसे भी मिल लेते थे कभी कभी, अब शादी करके अलग ही रहना था तो शादी जैसी करने की जरूरत ही नहीं थी तुम लोगों को। तो लेकिन करियर हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था, तो पता था कि करियर अगर नहीं बना तो हम भी उन्हीं में से होंगे जितने हमारे समाज की महिलाएं होती हैं। और मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, मैंने एमफिल कंटिन्यू की, पीएचडी किया, फिर मैंने जॉब की, तमाम वो एक अलग चीज है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारी जो लड़कियां हैं यंग, वो भी इस चीज में कहीं ना कहीं समर्थन करती है, मतलब कि सास ससुर को खुश रखना है या माँ बाप को खुश रखना है, मतलब विरोध नहीं करना, गलत मानती होती हैं क्योंकि पढ़ती लिखती हैं, सोशल मीडिया पे देखती हैं, तमाम चीजों को देखती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विरोध नहीं करती। मतलब मैंने नहीं देखा कि कोई लड़की, अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई एग्जांपल आया नहीं है, हो सकता है आपके सामने आया हो, आएगा तो आप शेयर कीजिए हमारे तमाम दर्शकों के सामने, कि कोई लड़की जिसको देखने के लिए आया हो कोई, और गाड़ी भर के आया हो, और उस लड़की ने ये खुद कहा हो कि इतनी पलटन लेके आने की क्या जरूरत थी, अगर यूं ही देखना था तो अगर पसंद है तो शादी करके चली पड़ते हैं, भाई ऐसी बारात लेके पहले आनी है, बाद में लेके आनी है, आप ऐसे लेके आई हूँ। मतलब ये जो चलन बढ़ता जा रहा है लगातार, इसको आप कैसे देखती हैं? इसको मैं एक ही लाइन में बोलूंगी, इसको सिर्फ मैं एक दिखावे का नाम दे सकती हूँ। जैसे आपने बहुत अच्छी बात रखी कि देखा देखी करके और कर्जवान होकर हम बेटी को ब्याहते हैं, अगर हमारे बेटी में हर तरह के गुण हैं और एक पिता ने अगर अपनी बेटी को ही दान दे दिया, यानी कि बेटी का कन्या दान कर दे, तो उससे बेहतरीन या उससे बढ़कर कुछ नहीं होता, ये मेरा खुद का मानना है। और रही बात कि हम तरह तरह के उपहार देते हैं, महंगी महंगी चीजें देते हैं, गाड़ी देते हैं, गहने देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन लड़के वाले जो लालची लोग होते हैं उनका मुंह बंद करने के लिए, तो हम जैसे हैं हमें वैसा ही परिवार चाहिए होता है। अगर हम इच्छा करते हैं कि हम अपनी बेटी को ये सारी चीजें दें अपनी इच्छा से, और एक मांगने पर, अगर कोई मांगने पर ये सारी चीजें आपसे कोई मांगता है लड़के वाले, तो उनको भीख दीजिए, अपनी बेटी नहीं, क्योंकि वो पिता अपनी बेटी दे देता है तो वो सबसे बड़ा दान होता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूंगी डॉक्टर कौशल पवार जी का, जिन्होंने अपनी शादी में महज 10,000 रुपए का खर्च किया था,
जिन्होंने बीएड का एग्जाम दिया था अपने शादी के तीसरे ही दिन। मैं गलत तो नहीं हूँ मैम? बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारी जो बहनें हैं उनको भी चीजों को देखने का नजरिया बदलना चाहिए। जैसे आप देखा देखी कि टीवी में शादियां जो देख रहे हैं वो बड़ा सा मंडप होना चाहिए, ऊपर की तरफ झूले, जयमाला ऐसे चलनी चाहिए, या वो जो सपने जो इस तरीके के जो दिखाए जा रहे हैं समाज में और वो उनके दिमागों में बैठ जाती है कि शादी ऐसी ऐसी ही होती है। ऐसी शादी होती नहीं कि बिल्कुल मतलब एक दिन आए और शादी करके और फिर आप अगले दिन अपने काम पे चले गए। मतलब ये जो डेफिनेशन है इसको बदलने की जरूरत है। लेकिन उपासना, मैं जो आपसे जानना चाह रही हूँ वो ये कि अगर ये चलन ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि हमारे जो माँ बाप हैं उनकी भी मजबूरी हो जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं माँ बाप को भी जाहिर सी बात है एक जो समय के बदलाव के साथ सुख तो माँ बाप भी देखता है बच्चे का, लेकिन वो सुख दहेज से देखना चाहता है। मतलब उसको ये लगता है कि हम जितना माँ बाप होने के नाते जितना आगे वाले को देंगे उतना ही हमारी बेटी खुश रहेगी या सुखी रहेगी। मतलब कि सुखी रहने का पैमाना आज दहेज बढ़ता जा रहा है, और जबकि ऐसा है नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं तो कुछ भी नहीं लेके आई थी, मैंने तो जीरो से अपनी लाइफ शुरू की है और आज हम इकट्ठे काम करते हैं। मतलब हम मुझे तो कभी नजर नहीं आया कि मेरे को बिना मतलब मैं कुछ लेके नहीं आई थी तो मुझे सुख नहीं मिला होगा। सबसे बड़ी सुखी मैं ही हूँ कि मुझे अपनी मेहनत के दम पे मैं अपना आज मेरे घर में सारे संसाधन है सुखी होने के। तो ये भी माँ बाप को सोचने की जरूरत है। खैर बहरहाल उपासना, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इनकी इनकी सोच को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। क्या हम एक एक तरह से जो एक एक श्रद्धा के आधार पे जो देख रहे हैं उससे होगा, मतलब वाल्मीकि धर्म की बात कर रही हूँ मैं, क्या उससे बदलाव आएगा? क्या बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, झलकाई बाई, उदा देवी, माता दीन भंगी, तमाम हमारे जितने फोर फादर एक तरह से रहे हैं और जिन्होंने समाज में एक बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा हटके है, मैं सिर्फ वाल्मीकि समाज की बात कर रही हूँ कि ये धर्म के आधार पे बदलाव आएगा, ये तमाम जितने भी हमारे जो मैंने अभी जिनकी संख्या अनगिनत है उनके माध्यम से समाज में बदलाव आएगा। देखिए जी, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अगर धर्म की बात करें तो धर्म के आधार पर तो सिर्फ लड़ाइयां ही होती है जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैं देखती आई हूं। लेकिन अगर मैं बदलाव की बात करना चाहूं तो मैं कहूंगी ये बदलाव सिर्फ एक वैचारिक धारणा, यानी कि वैचारिक जो अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए जो विचार है, उन वैचारिक भावनाओं पर चलकर ही इस चीज का निवारण हो सकता है। क्योंकि जब हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को सुनेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ये सारी व्यर्थ की चीजें हैं। अगर माँ बाप को कर्जवान करके बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर, महंगे महंगे गहने लेकर और तरह तरह की जो महंगे महंगे कपड़े होते हैं शान शौकत के लिए दिए गए, दिखावे के लिए जो साज सजावट की जो चीजें होती हैं, अगर वही लेकर आप ये सोचते हैं कि मैं उस घर में खुश रहूंगी तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जीता जागता जो हमारा एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, कौशल पवार जी जो हमारे समाज की आन बान शान है, उनका उदाहरण हम ले सकते हैं। तो मेरे लिए बिल्कुल गलत होंगी ये सारी चीजें कहना कि अगर हम इन सब चीजों को लेकर हम ये सोचें कि मैं अपने परिवार में खुश रह सकती हूँ। अगर एक लड़की खुद से अपने माँ बाप को कहे कि ये चीजें गलत है, ये चीजें मत कीजिए, ना मुझे दीजिए, अगर जिसको मुझे एक्सेप्ट करना होगा वो मुझे वैसे भी एक्सेप्ट करेगा, चाहे वो शादी लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, सिर्फ और सिर्फ सोच विचारधारा का मिलना सबसे बड़ी बात होती है। जो इंसान मैच्योर होगा इन सब चीजों को बिल्कुल परे रखेगा, क्योंकि एक वही बात होती है, इतनी सब कुछ चीजें लेकर भी मैंने तो लड़कियों औरतों को जलते हुए देखा है दहेज के नाम पर, तो हम कैसे कह सकते हैं या वो माँ बाप कैसे कह सकते हैं कि अगर हम कर्जवान होकर तुम्हें दहेज देकर आप अपने घर में सुखी रह सकते हैं, तो वो चीजें बिल्कुल गलत हैं। तो लड़की को बगावत करनी चाहिए, अपने माँ बाप को समझाना भी चाहिए, अगर समझ के वो आपकी बात मानते हैं
तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं मानते हैं तो आप वहां पर बगावत कीजिए, क्योंकि गलत चीज के लिए बगावत करना या गलत परंपराओं या रीति रिवाजों के लिए बगावत करना तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय के लिए हम उन जनरेशन के बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए वो रास्ता बिल्कुल साफ कर देते हैं। जिस तरह से हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने वो संविधान लिखकर इतने संघर्ष कर आज हमें ये जीवन दिया है, हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं, हम अपने इतिहास को उठाते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी क्या स्थिति थी। आज हमारी ये स्थिति है कि हमें अच्छा पहनने, अच्छा खाने, कहीं भी आने जाने, अपनी बात रखने, शिक्षा प्राप्त करने, इन सब चीजों के जो हमें अधिकार दिए हैं वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए हैं, तो उन अधिकारों का हमें अच्छे से लाभ भी लेना चाहिए। तो हमें बाबा साहेब की विचारधारा को भी फॉलो करना चाहिए, उन विचारधारों पर चलना चाहिए, मानना चाहिए। जिस इंसान ने बाबा साहेब की विचारधारा को उनको पढ़ लिया, वो इंसान इन सब चीजों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा और ये सारी चीजें, दहेज प्रथा, महंगे गहने, ये सारी चीजें उनके लिए बिल्कुल तुच्छ हो जाएगी। अगर वो लड़की हो या लड़का, अगर अपना जीवन साथी चाहेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसकी विचारधारा को देखेगा, ना कि ये गहने और ये सब चीजें। बहुत बढ़िया। वाल्मीकि धर्म हमारा आस्था हो सकती है, लेकिन रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही है। जी बिल्कुल। फासला मैं अंतिम सवाल के रूप में हमारे दर्शकों को, युवा सोच को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, स्पेशली अपनी बहनों को, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ, मैं एक ऐसे परिवार से मैंने शुरुआत की थी बाहर निकलना। एक छोटा सा वाक्य अपना रखना चाहती हूँ कि जब संगठन की बात आती थी, भारतीय मानव रक्षा संघ, एक मैं संगठन से जुड़ी हुई हूँ, वहां पर जो कैडर सेमिनार मीटिंग होती थी वो रविवार के दिन होती थी, लेकिन जब मैंने उनमें जाना शुरू किया या अपने घर पे बताया कि भाई रविवार है आज, जैसे कॉलेज से ऑफ होता था और घर में रहना होता था कि मुझे संगठन में जाना है, मुझे मीटिंग में जाना है, तो घर परिवार से ही उंगली उठनी शुरू हो जाती है। मैं, क्योंकि मैं ऐसे गांव से, ऐसे परिवार से संबंध हूँ, तो उस उंगली को मैंने किस तरह से नीचे किया वो अपने हाथ में होता है। एक बार क्या हुआ, 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले जी का जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा था हमारे संगठन के द्वारा, उसमें मैं अपनी मम्मी को लेकर गई, उन्हें पता चला कि हाँ सच में ये चीजें होती हैं, हम अपने महापुरुषों के लिए जो कर रहे हैं, हम आने वाली जो पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं वो इसीलिए कि हम अपने साहित्य अस्तित्व को पढ़कर, उनको जानकर, अपने महापुरुषों के किए गए संघर्ष और त्याग बलिदान को पढ़कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं जीवन में बदलाव करना या आगे बढ़ना, निकलना अपने घर से, तो आप जो आपको गलत ठहरा रहे हैं उनको आप गलत प्रूफ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये चीजें मेरी जिंदगी में आई, मेरे जो मैंने इन सब चीजों, समस्याओं का सामना किया, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी आप सबको, अगर आपके जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी आए, जैसा मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारी दिक्कत परेशानी आई, मैंने हमेशा उनका डट कर और हंस कर मुकाबला किया है, क्योंकि जब कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है उसके बाद, उसको फेस करने के बाद मुझे बहुत मजबूत फील होता है। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, टूटी तो बहुत हूं मैं लेकिन कभी बिखरी नहीं। तो आप बिल्कुल भी अपने आप को बिखरने मत दीजिए, हमेशा मोटिवेटिव रहिए और अपने अपने बाबा साहब या अपने महापुरुषों को पढ़ते रहिए, उनसे सीखते रहिए। बहुत बढ़िया। आज हमने युवा सोच को सुना, सफाई कामगार समुदाय से आने वाले हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उनको ये सीख लेने की जरूरत है कि अगर हम, चाहे दहेज की समस्या हो, आगे बढ़ने की समस्या हो, तमाम जीवन के क्षेत्र में जो हम काम कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संदेश को हम पहुंचाने के लिए संगठनों में अगर काम करते हैं तो उसकी ईमानदारी का भी हमें अगर टेस्ट देना पड़े तो मुझे लगता है दे देना चाहिए। जी बिल्कुल। इसके लिए हम टेस्ट नहीं दे रहे होते बल्कि ये एहसास करवा रहे होते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं है केवल, बल्कि समाज की सोच को बदलने के लिए एक काम है। हम अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, बंधु को साथ में लेके जाके मिलके काम करें, और देखिए मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं कि जब वो आपके सपोर्ट में सबसे ज्यादा खड़े होंगे। आज समाज की आवाज में हमने युवा सोच को रखा है। उपासना जी हमारे साथ चर्चा में थी। ऐसे ही अगली कड़ी में हम फिर मुलाकात करेंगे हमारे किसी भी युवा व्यक्तित्व से जिन्होंने समाज में सोच को बदलाव के लिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण
क्षणों को बिताया है और हमारे लिए रोल मॉडल बनेंगे। उपासना जी, मैं आपको सल्यूट करती हूँ, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हमारे समाज के लिए काम करिए, अपने करियर को भी आगे बढ़ाइए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, बड़ी बहन की तरह होने के नाते, कि आप अपनी स्टडी को भी हायर कीजिए, हायर स्टडी की तरफ जाइए। हम चाहते हैं कि डॉक्टर उपासना लगे, मैं आपको अगली मीटिंग में डॉक्टर उपासना कह सकूं, तो मैं चाहूंगी कि आप इसको आगे फर्दर लेके आइए। और पढ़ाई ज्ञान के लिए होती है, शादी के लिए नहीं होती। इस संदेश के साथ आज की चर्चा हम यहाँ पर विराम देने चाहेंगे। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय भीम।